All right, turn your Bible to 1 Kings chapter 13 today. आज आप अपने बाइबल को पहला राजाओं अध्याय 13 में खोलें. And we are going to look at this chapter today. और आज हम इस अध्याय के ऊपर देखने जा रहे हैं. 1 Kings chapter 13. पहला राजाओं अध्याय 13. And we are going to go through the whole chapter. और आज हम पूरे अध्याय से हम गुजरेंगे. There are 34 verses in this chapter. और हम देखते हैं 34 वचन यहाँ पर मौजूद हैं. And so because it's a long chapter, we are not going to read the whole chapter. क्योंकि ये लंबी एक chapter है, तो हम पूरे अध्याय को हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं. But as we go through, we will touch every chapter in this. लेकिन जैसे हम every verse in this chapter. जैसे हम गुजरेंगे, तो हम हर एक जो अध्याय है, उसको हम touch करने के लिए हम कोशिश करेंगे. Now, when just to know this chapter, you need to know a little. Bit of background. और इस अध्याय को जानने के लिए आपको कुछ छोटे से एक बैकग्राउंड के बारे में आपको जानने की आवश्यकता है. Solomon was the wisest man living on the earth. और हम देखते हैं कि धरती पर जीने वाला सबसे ज्ञानी व्यक्ति सुलेमान था. But Solomon was the most miserable man also living on the earth. और हम धरती पर जीते हुए सुलेमान को जो सबसे मिजरेबल इंसान को हम देखते हैं सुलेमान के ऊपर. मिजरेबल का मतलब हिंदी में क्या है? इंग्लिश को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा सर, कैसा चलेगा भाई? तुम तो हर संडे बचना चाहते हो. मिजरेबल मतलब जो बहुत ही दुखदायक जीवन वो उसने जिया, बहुत ही दर्दनाक जीवन को जिया. पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट यू नो पीपल, बिकॉज अदरवाइज यू से दे वर 90% समवन दे आर नॉट गेटिंग. सो Solomon was a miserable man, you know, at the end of his career. और उसके जीवन के अंतिम समय में हम देखते हैं सुलेमान को, वो दुखी जीवन को जीते हुए हम उसको देखते हैं. And what happened was God was not pleased with Solomon. और हम देखते हैं सुलेमान को लेकर परमेश्वर प्रसन्नित नहीं था. You see, when God asked him Solomon what he wants, Solomon said, "I want wisdom." जैसे परमेश्वर ने सुलेमान से पूछा, सुलेमान तुम्हें क्या चाहिए? तो सुलेमान कहता है मुझे ज्ञान चाहिए. God was so pleased with Solomon that God gave him wisdom and wealth. और सुलेमान परमेश्वर जो है सुलेमान से बहुत ही खुश होकर उन्हें बुद्धि और उन्हें धन को दिया. He was the richest man on the earth. और हम देखते हैं धरती पर रहने वाले वो सबसे धनी व्यक्ति था. But later on, when we read chapter 12, लेकिन बाद में हम जब अध्याय 12 को पढ़ते हैं, we see that God is displeased with King Solomon. और हम देखते हैं परमेश्वर जो है सुलेमान से वो नाखुश हुए. Look at chapter 12, chapter 11. और अध्याय 11 में इस समय आप देखें. And this is what took Solomon's heart away from God. और यही जो है सुलेमान का जो हृदय है परमेश्वर से उसे दूर ले गया. But the king Solomon loved strange women. लेकिन सुलेमान ने जो है अनजान ऐसे परदेसी औरतों को उसने प्रेम रखा. And then it speaks about the names of those, which country they are from. और वहां पर लिखा हुआ है कौन से देश से उन लोग हैं. And look at verse number 2. वचन 2 में देखें. Of the nations concerning which the Lord said unto the children of Israel, ye shall not go in to them, neither shall they turn come in unto you, for surely they will turn away your heart after their God. Solomon clave unto these in love. वे उन जातों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलों से कहा था कि तू उसके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में से आने पाए. वे तुम्हारे मन अपने देवताओं को देवताओं की ओर निसंदेह फिरेंगे, उन्हीं की प्रति में सुलेमान लिप्त हो गया. So God told Solomon, if you're going to marry these unbelievers and these strange women, they are going to turn your heart away from me. तो प्रभु ने कहा कि अगर तुम इन अविश्वासी औरतों से तुम शादी करते हो, तो तुम इन लोग क्या करेंगे, तुम्हारे हृदय को परमेश्वर से दूर रखेंगे. And you're going to be a idol worshipper. और तुम जो है मूर्ति पूजक बनोगे. But Solomon did not obey God. लेकिन सुलेमान ने परमेश्वर को नहीं माना. So he had 700 wives. तो उसके पास 700 बीवी थी. Many princesses. और बहुत सारे ऐसे रानियां. 300 concubines. और 300 ऐसे concubines थे. रखवेल थे. And his wives turned away his heart. और उसके जो पत्नी है उनके हृदय को प्रभु से दूर ले गया. And their hearts were turned away. और उन लोग के जो हृदय है प्रभु से दूर चले गए. And he just did what God told him not to do. और उसने वही किया जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए मना किया. And we see that's where
he began to become miserable. और उसके बाद हम देखते हैं उनके जीवन को एकदम पूरे दर्दनाक में देखते हैं हम उसके जीवन को God was upset with Solomon. और सुलेमान को लेकर प्रभु जो है वो दुखी था. And God said, you know, I'm going to destroy your kingdom now. प्रभु कहता कि मैं अभी तुम्हारे राज्य को नष्ट करने वाला हूँ. Well, because I promised your father, I'm not going to destroy while you are there. क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया इसलिए जब तक तुम हो मैं नष्ट नहीं करूंगा. But I'm going to do it with your sons. लेकिन तुम्हारे बच्चों के द्वारा मैं उसको करूंगा. And that is the fearful thing for every father. और वो हर एक पिताओं के लिए वो एक भयानक चीज है. Sometimes God might not judge you because he has already blessed you. शायद कभी कभार परमेश्वर आपको न्याय नहीं करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने पहले से आपको आशीष किया है. And because of our wickedness and our sins, God might use that against our children. हमारे पाप की वजह से हमारे दुष्टताओं की वजह से शायद परमेश्वर हमारे बच्चों को ऐसे श्राप को दे सकते हैं. And that you may say, well, why is that thing? Why is God doing that? आप कहेंगे कि परमेश्वर ऐसा क्यों करेंगे? Because sometimes judgment, we can say, well, it is for me, I will suffer, I will struggle. क्योंकि मैंने किया है तो मैं इसको सहूंगा, मैं इसके इसका न्याय को लूंगा. But when it actually happens to our children, that is what is more painful for us. लेकिन जब ये हमारे बच्चों के साथ होंगे वो हमारे लिए दर्दनाक चीज होंगे. When we have cold and fever, not a big deal. जब हमें जुकाम होते हैं, बुखार होते हैं, तो वे कोई बड़ी बात नहीं होते. But when our children get cold and fever, it really, really hurts us. लेकिन as जब a father and mother. जब हमारे बच्चों को बुखार होते हैं, जुकाम होते हैं, तो हमारे लिए दर्दनाक चीज होती है. So fathers, how you live your life today is what your children will bear tomorrow. पिता, जैसे तुम आज अपने जिंदगी को जी रहे हो, उसी प्रकार से आने वाले समय में तुम्हारे बच्चे लोग उसको भोगेंगे. And we may think, well, no big deal. It's going to be a big deal. हम शायद सोच रहेंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए. I don't have to go to church, you know, I'm so busy. मुझे चर्च में जाने की जरूरत नहीं, मैं बहुत ही व्यस्त हूँ. I don't have to live according to what the Bible says, you know. बाइबल के अनुसार, बाइबल हमें क्या बताते हैं उसके अनुसार मुझे जीने की जरूरत नहीं है. I can chill out, hang out, I can do whatever I want, everything is going to be okay. मैं बाहर घूम फिर सकता हूँ दोस्तों के साथ, सब कुछ सही है. Once in a while I will just show my face to Jesus. कभी कभार महीने में एक बार शायद मैं अपने चेहरे को यीशु को दिखाऊंगा. You are preparing a heap of curse for your son tomorrow. आप जो है कल के लिए अपने बच्चों के लिए एक श्राप को आप तैयार कर रहे हैं. And that is what is happening here. और आज यहाँ पर वही होते हैं. God has been hurt. God is grieved because of Solomon. और सुलेमान की इस हरकतों के वजह से जो है परमेश्वर दुखी हो गए. So now here comes Solomon has a son called Rehoboam. और सुलेमान के पास एक बेटा है जो जिसका नाम रेहोबोम है. Solomon had a servant called Nebat. और सुलेमान के पास एक दास है जिसका नाम निबाद है. Nebat had a son called Jeroboam. और निबाद के पास एक संतान है, उसका नाम जेरोबोम है. Now I don't want to give the whole story, but here now is Jeroboam becomes a king of Israel. जेरोबोम जो है इज़राइल का एक राजा बन जाता है. Rehoboam becomes a king of Judah. और रेहोबोम जो है यहूदा का वो राजा बन जाता है. Which means one kingdom is now divided into two. इसका मतलब एक राज्य जो है वो दो हिस्से में बट गए हैं. One nation of God is now divided into Judah and Israel. प्रभु का एक जो देश है वो क्या है, दो हिस्से में बट गए, एक जुड़ा और एक इज़राइल. It is because of the sin of Solomon. क्योंकि ये सुलेमान के पाप की वजह से. Everybody committed sin. सभी ने पाप किया. David committed sin. दाऊद ने भी पाप किया. But David never went away from God. लेकिन दाऊद ने प्रभु से कभी दूर नहीं चले गया. David repented. दाऊद ने माफी मांगी. He begged God for forgiveness. और उसने प्रभु से माफी मांगी क्षमा के लिए. But he never ran away from God. लेकिन उसने कभी भी प्रभु से दूर नहीं गया. He stayed with God. और वो प्रभु से बने रहा. He continued to worship God. लगातार प्रभु की स्तुति की. He continued to love God. लगातार प्रभु को प्यार किया. But Solomon also sinned. लेकिन सुलेमान ने भी पाप किया. You see, David sinned and Solomon sinned. सुलेमान, दाऊद ने पाप किया और सुलेमान ने भी पाप किया. But when David sinned, he repented and got right. लेकिन जब दाऊद ने पाप किया वो पश्चाताप करके प्रभु से सही हो गया. When David sinned, he did not run away from God. जब दाऊद ने पाप किया वो प्रभु से दूर नहीं. But Solomon also sinned. लेकिन सुलेमान ने भी पाप किया. But when Solomon sinned, लेकिन जब सुलेमान ने पाप किया, he went away from God. वो प्रभु से दूर चले गया. He never repented. उसने कभी भी पश्चाताप नहीं किया. He never said, Lord, I'm sorry for my sins. सुलेमान ने कभी भी नहीं कहा कि मेरे पाप के लिए आप मुझे क्षमा करो. But he allowed these strange women to turn his heart away from God. लेकिन परदेशी औरतों को उसने अनुमति दिया था कि उसके हृदय को वो प्रभु से दूर ले जा सके. And the Bible says that he began to cleave unto the idols. और लिखा कि वो मूर्तियों के साथ जुड़ गए. He began to worship the idols. और वो मूर्तियों की पूजा करने लग गए. The
wisest men on earth began to build idols and temples for false gods. और जो सबसे ज्ञानी व्यक्ति उसने क्या करना आरंभ किया, उसने मूर्तियों को और मूर्ति के लिए उसने मंदिरों को बनाना शुरू किया. So the kingdom is divided now. अभी राज जो है वो दो भाग में बन गए. Because the kingdom is divided. क्योंकि राज जो है वो दो भाग में हिस्सा हो गए. Remember, Rehoboam is the son of the king. रेहबोम जो है एक राजा का बेटा है. So he rightly becomes the king of Judah. अभी जो है वो पूरे अधिकार के साथ वो राजा बन गया यहूदा का. But Jeroboam was a valor of, is a mighty valor fighter. और जो जेरोबोम है वो क्या है, एक वो लड़ाई करने वाला व्यक्ति है. But he is a son of a servant of the king. लेकिन वो एक दास का एक संतान है. And so, you know what, Jeroboam, the people of Israel get together and make Jeroboam the king. और इज़राइल के लोगों ने एक साथ होकर जेरोबोम को राजा बनाया. And now Jeroboam says, if these people go to Jerusalem, they go to Judah to worship God, their hearts will go after the king Rehoboam. जेरोबोम कहता है अगर इन लोग अगर मंदिरों में जाकर आराधना करेंगे तो लोगों के हृदय जो है उन लोग हट जाएंगे उन लोग प्रभु से. So they will no. Jeroboam says if they go to Judah, to Jerusalem to worship, they are going to go after and follow King Rehoboam. तो जेरोबोम ने कहा कि अगर उन लोग वहाँ पर जाकर आराधना करने लगेंगे तो उन लोगों का हृदय जो है जेरोबोम के ऊपर आ जाएंगे. So he says, I better build a worshiping place right here in Bethel. और बेतल में मुझे अभी क्या करना है, एक आराधनालय को मुझे बनाना है. So that these people don't have to go there to pray, they can just pray here. ताकि ये जो लोग हैं वहाँ पर जाने की आवश्यकता ना हो, यहाँ पर रहकर उन लोग आराधना कर सके. They don't have to go to church, they can stay home and you know pray. उन लोगों को चर्च में जाने की जरूरत नहीं, उन लोग घर में रहकर ही प्रार्थना कर सकते हैं. Because if they go to church, their heart may go after Jesus. क्योंकि अगर उन लोग चर्च को जाना शुरू करेंगे उन लोग हृदय जो है प्रभु की ओर जाएंगे. Let's just stay home and build our own battle. हम घर में ही रहकर अपना बैतल को हम बनाएंगे. So they may just do a little bit for God, but not so much for God. वो प्रभु के लिए कुछ ही करेंगे, लेकिन प्रभु के लिए बहुत कुछ नहीं करेंगे. And so Jeroboam builds a worshiping place at Bethel. तो जेरोबोम जो है बैतल में एक आराधनालय को वो बनाता है. But no, that's not wrong to build a place for prayer. और वो गलत बात नहीं है प्रार्थना का एक जगह बनाने के लिए. You see, Bethel means a house of bread. बैतल जो है एक रोटी का घर है. Bethel was the same place where God met with many great men of God in the Bible. और बैतल वही जगह है जहां पर परमेश्वर ने बहुत से अच्छे-अच्छे लोगों से मिला है. Bethel is the same place where Jacob wrestled with God. और बैतल वही जगह है जहां पर याकूब ने प्रभु से लड़ा. Bethel simply means the house of God. और बैतल का मतलब है house of bread. रोटी का घर. Bethel is a place where God touches you and you touch God. और बेथेल ऐसा जगह है जहाँ पर आप प्रभु को छूते हैं, परमेश्वर आपको छूते हैं. Bethel is a place where you meet God in devotion, in your personal devotion. और बेथेल ऐसा जगह है जहाँ पर डिवोशन के समय आप प्रभु को आप पुकारते हैं. Bethel is not your church but your home for devotion. बेथेल जो है तुम्हारा कलीसिया नहीं लेकिन तुम्हारा डिवोशन का समय है. But Jerusalem is your church. लेकिन यरूशलेम जो है तुम्हारा कलीसिया है. Which means you need to get out from Bethel and go to Jerusalem to worship God. इसका मतलब आपको बैतल से उठकर यरूशलेम में प्रभु की आराधना करने के लिए जाना है. There is a great principle in the Bible when we talk about home worship and prayer and going to church for worship. बाइबल में ऐसा शिक्षा है जहां पर आप घर में रहकर आराधना कर सकते हैं और कलीसिया में जाकर आराधना कर सकते हैं. Both are good. Bethel is good. Bethel is needed and Jerusalem is needed. और बैतल भी जरूरी है और यरूशलेम भी जरूरी है. But Bethel is a place that meet God every day. लेकिन बैतल ऐसा जगह है जहां पर आप हर दिन प्रभु से मिल सकते हैं. But on the first day of the week, we ought to go to Jerusalem. हफ्ते के पहले दिन में आप यरूशलेम को जाते हैं. We all come together at one place to meet God. हम एक ही जगह में सब लोग इकट्ठे होते हैं प्रभु को मिल to worship God, प्रभु की आराधना करते हैं, to sing praises to God, और गाना गाते हैं, and so both are needed, और दोनों ही जरूरी हैं. But there is a problem with Bethel. लेकिन बेतल में एक समस्या है. If you're not right with God, अगर आप प्रभु से सही नहीं हैं, your Bethel can be your TV. और तुम्हारा जो बैतल है वो एक टीवी बन सकता है. Your Bethel can be a place of laziness. और तुम्हारा बैतल जो है एक आलसी का जगह बन सकता है. Your Bethel can be a place of a quick prayer. और आपका जो बैतल है वो जल्दी जल्दी वाली चीजें होंगे. Your Bethel will be a place of namesake life. और आपका जो बैतल है वो एक नाम के वास्ते जगह बन जाएंगे. And so Jeroboam says, I'll build here in Bethel. जेरोबोम कहता है कि मैं यहाँ पर बैतल में एक जगह बनाऊंगा. There is nothing wrong in building a prayer hall in Bethel. और प्रार्थना का घर बनाना बैतल में गलत बात नहीं. But the question is, whom are you going to pray to? लेकिन प्रश्न ये कि किसको आप प्रार्थना करने वाले हैं? Whom are you going to worship? किसकी आप आराधना करने वाले हैं? Jeroboam is not a man after God's own heart. जेरोबोम जो है ऐसा व्यक्ति ने जो प्रभु की दिल की
दिल को जानने वाला Jeroboam has become a king without God's anointing. Jeroboam जो है एक राजा बन गया प्रभु के अभिषेक के बिना. Now he has cheated here. और उसने उसको चीट किया. And so now Jeroboam builds in the a worshiping place at Bethel. और Jeroboam जो है बेतल में एक आराधनालय को बनाता है. Now remember, God has this way of doing things rightly. परमेश्वर का एक माध्यम है चीजों को सही करने के लिए. Now man has a problem all the time. No matter who you are, whether it's me or you, we have some kind of worm in our heart. मनुष्य के पास बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जहां पर हम कभी-कभार करते हैं और हमारा हृदय में कीड़े हैं. That worm is a worm of arrogance, pride, and I can do better than him. कीड़ा वही है कि हम जो है arrogance है हमारे अंदर जो हम ऐसे सोचते हैं कि हम मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ. When God says, "Let him increase and I decrease," लेकिन कहता है कि उससे बढ़ने दो और मैं घटूं. And God says, "Don't think about yourself to be too higher than others." और तुम खुद के बारे में खुद को लेकर बहुत ही ऊपर मत सोचना. And so Jeroboam thinks that he is better than everybody. Jeroboam यहाँ पर सोच रहा है कि मैं जो है सबसे बेहतर हूँ. Now Jeroboam says, "Well, I don't have to obey God's law and God's ways of worship." जेरोबम कहता है कि मुझे प्रभु की जो जो आज्ञा है उसकी मुझे पालन करने की जरूरत नहीं है. We don't want to do what pastor preaches from the word of God. We just do it as the spirit leads me. जो पास्टर हमें बताते हैं उसको हम नहीं करते लेकिन जैसे आत्मा हमें अगुवाई करते हैं हम करते हैं. You see, the spirit will not lead you without the Bible. और जो आत्मा है बिना बाइबल के आपको अगुवाई नहीं करेंगे. The only way the Holy Spirit can lead you today is through the word of God. पवित्र आत्मा जो है वचनों के द्वारा ही आपको अगुवाई करेंगे. The word of God was written by the Holy Spirit. बाइबल जो है पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है. The Holy Spirit is the author of the Bible. और Holy Spirit पवित्र आत्मा जो है बाइबल का लेखक है. And so look at verse number 1 in chapter 13. और अध्याय 13 वचन 1 में देखो. And behold, there came a man of God out of Judah by the word of the Lord unto Bethel, and Jeroboam stood by the altar to burn incense. तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतल को आया और यरूबम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था. You see, there God has appointed certain people to do certain things. परमेश्वर ने किसी किसी को नियुक्त किया है कुछ कामों के लिए. Okay, Jeroboam, I understand you became a king because we are mighty men and couple of people got together and made you a king. हाँ, मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों ने मिलकर तुम्हें राजा बना क्योंकि तुम शक्तिशाली व्यक्ति हो. But Jeroboam, let me make this very clear. There is a person that God is choosing to lead the worship. लेकिन परमेश्वर ने इस व्यक्ति को चुना है ताकि वो आराधना को अगुवाई करे. I know you could do better than him, but you are not responsible in putting the incense. मुझे मालूम है कि तुम जो हो इससे बेहतर कर सकते लेकिन तुम्हारे को चुना नहीं गया उसको धूप को जलाने के लिए. Maybe you are smarter than the Levites, but you are not called to offer the prayer over there. शायद तुम्हें लिवाइट से तुम बेहतर हो सकते लेकिन उस वहां पर प्रार्थना के लिए तुम्हें अगुवाई नहीं किया गया है. But Jeroboam thought he was too smart. लेकिन Jeroboam ने सोचा कि वो बहुत ही स्मार्ट है. The Bible says, बाइबल बताती है, that he stood by the altar to burn incense. Jeroboam धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था. Jeroboam's job is not to burn incense. Jeroboam का जो काम है वो धूप को जलाने का काम नहीं था. God has chosen a particular tribe to do that job. परमेश्वर ने एक पर्टिकुलर जो गोत्र है उसको चुना है उसको करने के लिए. You have to be from the tribe of Levi. आपको उस लिवाइट के गोत्र से होना चाहिए. You have to be the sons of Levi. आपको लिवाइट का जो संतान में से होना चाहिए. Now God has set them apart for worship and prayer leading and sacrifice and carrying the ark of the covenant. परमेश्वर ने उन लोग को अलग कर रखा है ताकि उन लोग आग जो है उसको लेने के लिए और प्रार्थना करने के लिए और बहुत सारे कामों को करने के लिए. God chooses certain people for certain job. और कुछ कामों के लिए परमेश्वर कुछ लोगों को चुनते हैं. Now God may not choose the best of the best. शायद परमेश्वर सबसे बेस्ट व्यक्तियों को नहीं चुनेंगे. But God will choose whom he wants the best. लेकिन परमेश्वर वही को चुनेंगे जो जिससे वो बेस्ट को चाहता है. One who is faithful, available and teachable, God will use. जो हमेशा विश्वास योग्य है, जो हमेशा मौजूद है, जो हमेशा उसको सिखाया जा सके. So God has chosen already the Levites to do that job. तो परमेश्वर ने पहले से लिवाइट्स लोगों को चुन रखा है उस कामों को करने के लिए. But Jeroboam wants to stand and offer incense. लेकिन Jeroboam जो है वहां पर खड़े होकर धूप जलाना चाहता है. That is an abomination in the sight of God. और प्रभु के प्रति एक गलत काम है. Oh, they were carrying the ark of the covenant. उन लोग प्रभु के जो
जो संदूक है उसको उठा रहे उन लोग. And as they were carrying the ark of the covenant, जैसे उन लोग संदूक को उठा रहे थे, it was shaken and was about to fall. वो हिल कर वो गिरने वाला था. There was a man called Uzzah. एक व्यक्ति था जिसका नाम उज़ा था. He is trying to do the right thing. He doesn't want that ark to fall down. वो सही काम कर रहा था. वो नहीं चाहता था कि वो जो संदूक है वो गिर जाए. I mean that is the right thing actually. और वो सही चीज है मेरे. Why would you want something that is holy to fall down to the ground? क्यों आप चाहेंगे जो पकड़ा हुआ चीज वो गिर जाए जमीन में? So as an ethical man, he puts his hand to stop it. और उसने क्या किया? उस संदूक को गिरने से उसने हाथ डाला. And the Bible says it kindled the anger of God and God struck Uzzah dead. लिखा है कि परमेश्वर उस समय क्रोधित हो गया और वहां पर उज़ा को मार दिया. Why did God kill Uzzah? क्यों परमेश्वर ने उज़ा को मारा? Because it was not Uzzah's responsibility to touch the ark of the covenant. क्योंकि वो उज़ा का कर्तव्य नहीं था जो संदूक को छूने के लिए. God has chosen some people to do that work. परमेश्वर ने पहले से कुछ लोगों को उसको छून रखा है उस काम को करने के लिए. And so Jeroboam, it's not your duty to burn incense there. तो ये जेरोबाम का काम नहीं वहाँ पर धूप जलाने के लिए वेदी के पास. And so you know he stands at the altar to burn incense. और वो वेदी के पास खड़े होकर वो धूप जलाना शुरू करता है. This is his own idea. I don't want people to go to Jerusalem. I want people to be at Bethel and so that I can control them. वो खुद के विचार है. वो नहीं चाहता कि लोग यरूशलेम को जाए, वो बेतल में रहकर ताकि उन लोगों को मैं कंट्रोल कर सकूं, वश में कर सकूं. His motives were wrong. उसके जो मोटिव है वो गलत है. But at the same time in Bethel he is not praying and worshiping the God of the Bible. लेकिन बेतल में जो है परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर की आराधना नहीं कर जा रहे थे. He is offering incense to false gods. लेकिन वो जो धूप जला रहे थे वो गलत भगवानों की आराधना किया जा रहा था. He is offering his prayer to unknown gods. और जो अनजान भगवानों की आराधना किया जा रहे थे. He is praying to a pagan god. और वो जो एक जो मूर्ति उसकी आराधना किया जा रहे थे वहां पर. When you make yourself too comfortable at your own Bethel and not want to go to Jerusalem, you will move closer and closer to the idol. अगर आप बेतल में ही आराम पाना चाहते हैं, यरूशलेम को नहीं जाना चाहते, तो आप क्या होंगे? आप गलत चीजों की ओर आप खींचते चले जाएंगे. I am so comfortable in my couch. मेरे अपने काउच कुर्सी में बहुत ही अच्छा फील करता हूं. I am so comfortable in my bed. मेरे बिस्तर में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. Oh, I like that preacher on the internet on the TV. और उस टीवी में उस इंटरनेट में जो प्रचारक है उसको मैं बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए. I can sit in my house and worship God. मैं घर में ही बैठकर प्रभु की आराधना कर सकता हूं. That's your worship, but you become a Jeroboam. अब वो आपकी आराधना है लेकिन आप जेरोबोम बन जाते हैं. You begin to offer incense to your TV. आप अपने टीवी को जो है आप धूप जलाना शुरू करते हैं. You begin to worship and find comfort on your spongy mattress and your couch. आप जो है अपने घरों में ही बैठकर आराम को पाना चाहते हैं. You ought to get out and go to Jerusalem to worship God. लेकिन आपको उठकर यरूशलेम में प्रभु की आराधना के लिए जाना है. Because when you make a little effort, there is seriousness in your worship. क्योंकि जब कुछ और अपने आप को धकेलेंगे तो आप आराधना में और भी सीरियस हो जाएंगे. But the Bible says Jeroboam stood by the altar to burn incense. लेकिन लिखा है कि जेरोबाम जो है धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था. It was not his responsibility. वो अपने कर्तव्य नहीं था उसके. But God is seeing all something. लेकिन परमेश्वर वहां पर कुछ देखता है. God foresees whatever is happening. जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर वो देख रहा होता है. So God sends a man of God. तो परमेश्वर अपने जन को भेजता है. We don't read his name here. यहां पर हम उसके नाम को हम नहीं पढ़ते. God in chapter 12 and chapter 11 there are other men of God. और अध्याय 12 और 14 में हम कुछ और लोगों को हम देखते हैं. And God gives the names of those men of God. और उस परमेश्वर के जनों का जो नाम वहां पर लिखा गया है. But in chapter 13 there is a man of God but his name is not given. लेकिन अध्याय 13 में एक परमेश्वर का जन है जिसका नाम वहां पर लिखा नहीं गया है. So this man of God comes. तो ये परमेश्वर का जन यहां पर आता है. And he does exactly what God told him to do. और परमेश्वर जो उसे कहता है वही वो करता है. The job of a preacher is to preach what God tells you to preach. प्रचारक का काम वही है जो परमेश्वर कहा है उसको प्रचार करने के लिए. The job of preacher is to call people unto repentance and teach the people the ways of God. प्रचारक का काम यही है कि उन लोग परमेश्वर के वचनों को लेकर प्रचार करें और प्रभु के रास्ताओं को ताकि उन लोगों को सिखा सके. It's not about making you feel happy about it. ऐसा नहीं कि आपको अच्छा महसूस कराए. And thank God, today when I see that you people are really, really interested and love God. और देखते हैं कि जो लोग हैं बहुत ही आप जो लोग यहाँ के बहुत ही इंटरेस्टेड और उन लोग प्रभु से बहुत प्यार करते हैं. The way I preached last Sunday, if I had preached somewhere else, the church would have been half empty, 75% empty. जैसे मैंने पिछले रविवार को प्रचार किया, अगर मैं दूसरे जगह में प्रचार करता तो कलीसिया दो भाग होते और कलीसिया खाली हो जाते. And that's the reason why we didn't put it on the YouTube. इसीलिए हमने YouTube पर उस वीडियो को नहीं डाला. But to see that you all come back with your Bible open and listening to God's word says that you truly love God and want God to speak to you. लेकिन आज
परिणाम देखते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं अपने बाइबल को खोलते हुए, ये दर्शाता है कि आप प्रभु से प्यार करते हैं, वचनों से प्यार करते हैं। The work of a man of God is not to make you happy, but make God happy. परमेश्वर का जन का काम ये है कि आपको खुश करना नहीं, लेकिन प्रभु को खुश करना है। The work of a man of God is to bring God's word and give it to people what God wants you to hear. प्रभु का जन का काम ये है कि प्रभु के ओर से वचन को लाना और आपके बीच में उसको प्रस्तुत करना। So the man of God comes and he cries against Jeroboam. तो प्रभु का जन यहाँ पर आकर जेरोबाम के खिलाफ पुकारते हैं। Because Jeroboam is now standing at the altar trying to do what is abomination. जेरोबाम जो है ऑल्टर के बेदी के पास रहकर वो कामों को कर रहे हैं जो प्रभु के खिलाफ हैं। And so in these words, the man of God is pronouncing a curse against the king of Israel. और इज़राइल के जो राजा है उसके खिलाफ वो कुछ शब्दों को बोल रहे हैं जो उसके जो शापित हैं। Most of us would say, well, why this preacher is preaching this way? और आप में से बहुत से कहेंगे शायद क्यों कि ये प्रचारक इस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं। I mean, the man of God is preaching against the chief minister or the prime minister. देखो ये जो प्रचारक है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। Man, this Jeroboam is the king of Israel. लेकिन जेरोबाम को देखो वो इज़राइल का एक राजा है। Man of God, don't you know that it is dangerous for you? प्रभु का जन क्या तुम नहीं जानते ये तुम्हारे लिए बहुत ही डेंजरस है। And so he stands and preaches against and curses Jeroboam. और वो खड़े होकर प्रचार करते हैं उसके खिलाफ और जेरोबाम के ऊपर श्रापित करते हैं। The Bible says, and he cried against the altar. The word of the Lord said, O altar, altar, thus says the Lord, behold, a child shall be born in the house of David, Josiah by name, and upon thee shall he be offered the priest of the high places that burn incense upon thee, and man's bone shall be burned upon thee. उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा, वेदी है वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में एक यशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा और वो ऊंचे स्थानों के याजकों जो तुझ पर धूप लगा जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्य की हड्डियां जलाई जाएंगी। And he gave a sign the same day saying, this is a sign which the Lord has spoken, behold the altar shall be rent and the ashes that are upon it shall be poured out. और उसने उसी दिन ये कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया, ये वचन जो यहोवा ने कहा है इसका चिन्ह ये है कि ये वेदी फट जाएंगी और इस पर भी राख गिर जाएगी। God is not interested in our altar if we are not really serious about worshiping him. अगर हम आराधना को लेकर अगर हम सीरियस नहीं तो परमेश्वर हमारे बेदी को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं उसमें। God is not interested in our prayer service if we are not going to do the way God told us to do. जिस प्रकार से हम करते हैं, अगर जिस प्रकार से प्रभु ने हमें कहा है, अगर हम उसी तरह से नहीं करते तो परमेश्वर वहां पर इच्छा नहीं रखते हैं। And God's man is saying it's going to be destroyed, it's going to be ash everywhere. प्रभु का जन कहता है ये सब नष्ट होंगे, ये धूल बन जाएंगे। But man, when a man of God preaches the truth in such a manner, do you think anyone in authority would appreciate it? जो प्रभु का जन जब प्रचार करते हैं सही प्रचारक को क्या आपको लगता है कि कोई उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको शाबाशी देंगे? No. नहीं। How can you preach against the king? कैसे तुम राजा के विरुद्ध प्रचार कर सकते हो? I mean, don't you know I'm the king and you just a simple man of God? क्या तुम नहीं जानते कि तुम मैं राजा हूँ और तुम केवल एक साधारण प्रभु का जन हो? How dare you raise your voice against me? कैसे तुम्हें साहस मिला मेरे विरुद्ध प्रचार करने के लिए? And so when the man of God curses this altar and Jeroboam gets angry. जब प्रभु का जन ने श्राप दिया उसके खिलाफ प्रचार किया तो जेरोबाम गुस्सा हो गया। Jeroboam tells the people, catch him. जेरोबाम कहता है अपने लोगों से, उसको पकड़ो, उसको hold that man, don't let him go. उस व्यक्ति को पकड़ो, उसको जाने मत देना। And look what the Bible says. और देखो बाइबल क्या कहती है। And it came to pass when the king Jeroboam heard the saying of the man of God, which had cried against the altar in Bethel, that he put forth his hand against the altar, saying, lay hold on him, and his hand which he put forth against him dried up so that he could not pull it again to him. तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का ये वचन सुनकर जो उसने बेतल के विरुद्ध पुकार कर यरुबम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा उसको पकड़ लो, तब उसके हाथ जो उसके और बढ़ाया गया था सूख गया और वो उसे अपने और खींच ना सका। So when the man of God preached against and proclaimed against Jeroboam and the altar, Jeroboam did not like it. जब परमेश्वर का जन ने जेरोबाम के विरुद्ध उस वेदी के विरुद्ध प्रचार किया तो जेरोबाम उसको अच्छा नहीं लगा। So he lays his hand upon the man of God. तो जेरोबाम ने क्या किया, अपने हाथ को प्रभु का जन के ऊपर रखा। I'm going to destroy you now.
अभी मैं तुम्हें नष्ट करूंगा. I'm going to show you who you are. मैं अभी दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं. And I'm going to show who I am. और मैं अभी दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं. And so immediately when Jeroboam puts his hands on the man of God. जैसे ही जेरोबम ने अपना हाथ को उसके ऊपर रखा. The Bible says his hand dried up. बाइबल बताते हैं कि उसका हाथ उसी वक्त सूख गया. Yes dear friend, that's what happens. हे मेरे प्रियो, हाँ वही होता है. Well, I can pray, I can say whatever I want against anyone who preaches the word of God and nothing happens to me. Watch it. जो प्रचार करते हैं मैं उनके खिलाफ कुछ भी बोल सकता हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं होता है. No, if you're true man of God, things are, and if you're, you know, if you're true man of God and if somebody speaks against you or does something, judgment is coming for sure. अगर आप सही प्रचारक हैं, अगर कोई आपके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उसके ऊपर वाकई में न्याय जरूर से आएंगे. And we see this, all these modern day charismatic prophets and all these things, and you know, they try to curse and they try to do anything and everything, nothing happens to anybody. और हम देखते हैं कि जो आजकल के जो प्रचारक है, जो नबी हैं, उनके खिलाफ जो कोई बोलते हैं अभी, हम देखते हैं कि उन लोगों को कुछ नहीं होते हुए हम देखते हैं. Or the unbelievers does so many things against this false prophet and no judgments comes upon the unbelievers. अब विश्वासी लोग जो है इन नबियों के खिलाफ कुछ बोलते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर कुछ न्याय नहीं आता है. Because they are false prophets. और बात यह है कि उन लोग गलत नबी हैं. But when you go against the man of God, लेकिन जब आप प्रभु के जन के खिलाफ जाएंगे, against the prophet of God, प्रभु के नबी के खिलाफ जाएंगे, against the preacher of God, प्रभु के प्रचारक के खिलाफ जाएंगे, your hands begin to dry up, आपके जो हाथ है वो सूखने लगेंगे. And that's why dear friend, whether you tell it loudly or not, or whether quietly, when you say things in your heart against God's people, you know what begins to happen, your heart goes dry against God. इसलिए मेरे प्रिय, अगर आप कहीं भी या ना कहें, शायद दिल से कह रहे हैं या फिर मुंह को खोलकर कह रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आपके धीरे धीरे जो हृदय है वो सूखने लगेंगे. This man tried to put his hand against the man of God. ये व्यक्ति ने जो है प्रभु का जन के ऊपर हाथ को उसको डालने के लिए कोशिश किया. His hands got dried up. लेकिन उसका हाथ उसी वक्त सूख गया. Be careful to speak against a man of God. आपको सावधान होना है प्रभु के जन के खिलाफ बात करते हुए. And never raise your hands against him. और कभी भी उसके खिलाफ हाथ ना उठाना. Your hearts will go dry. आपके हृदय सूखने लगेंगे. Your hands will go dry. आपके हाथ सूख जाएंगे. That's the reason why sometimes we begin well and we have great love for the preacher and then we think that we are better. We begin to talk in our hearts and then our prayer life is dry, our worship is duty, and things become so just a monotonous things in our Christian life. इसलिए शुरू में क्या होता है, हम प्रचारक से प्रेम करते हैं, उसके प्रचारों को हम सुनते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब हमें लगने लगता है कि मुझे बेहतर पता है, तो उस समय हमें क्या होता है, हमारा हृदय सूखने लगता है और हम प्रभु से दूर होने लगते हैं. You don't have to speak against the preacher loudly. आपको प्रचारक के खिलाफ ऊंचे स्वर में बोलने की जरूरत नहीं है. All you have to speak against the preacher is in your heart. लेकिन आपको जो है, आप हृदय में जो आप बोलते हैं प्रचारक के खिलाफ, you don't have to do it in the church in a public place. आपको कलीसिया में और पब्लिक जगह में आपको करने की जरूरत नहीं है. You can just do it on your dining table or inside your car. आपके कार के अंदर या फिर डाइनिंग टेबल के वहां पर आप कर सकते हैं. And you watch the next Sunday service is boring. और आप देखेंगे अगले जो रविवार है वो सर्विस जो है बहुत ही बोरिंग हो जाएगी. The preaching makes no difference in our hearts then. और हमारे हृदय में प्रचार जो है कोई लागू को नहीं लाते. We don't feel like praying to God. हमें लगेंगे भी नहीं कि मुझे प्रार्थना करना है. We don't feel refreshed when we sit under the preaching of God's word. और जब हम प्रचार को सुनेंगे उस समय हम ताजगी नहीं पाएंगे. Because we have allowed a dirty, stinking, rotten attitude in our heart. क्योंकि हमने सड़े हुए चीजों को, जो चरित्र को हमने अपने हृदय में हमने अनुमति दिया है आने के लिए. The spiritual flow of blood is dried up. और जो आदमी जो खून के फ्लो है वो क्या हो गया, वो सूख चुका है. Now let's go down and the altar was overran. And the ashes poured out from the altar according to the sign which the man of God had given by the word of the Lord. So now the altar is destroyed. The ashes is poured out. और हम देखते हैं अभी जो वेदी जो है वो नष्ट हो गई है और राग गिर गई है उस समय. And the king answered and said unto the man of God, entreat now the face of God, thy God, the face of the Lord thy God, and pray for me that my hand may be restored me again. And the man of God besought the Lord, and the king's hand was restored him again, and became as it was before. तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और उसके लिए मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ जो का तो हो जाए. और तब परमेश्वर के जन यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर जैसे के तैसे हो गए. एंड सो एंड द किंग सेड अनटू द मैन ऑफ गॉड, कम होम विथ मी एंड रिफ्रेश थाई सेल्फ एंड आई विल गिव दी अ रिवॉर्ड. तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना
प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा. एंड सो जेरोबोम नाउ सेज, यू नो, प्लीज कैन यू कॉल अपॉन गॉड एंड कैन यू आस्क योर गॉड टू हील मी एंड रिस्टोर माय हैंड. एंड द मैन ऑफ गॉड ट्रूली प्रेड एंड गॉड रिस्टोर्ड द हैंड ऑफ जेरोबोम. जब जेरोबोम ने प्रभु के जन से कहा कि तुम क्या अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हो ताकि मेरे जो हाथ है वो ठीक हो जाए, तो परमेश्वर का जन प्रार्थना करते हैं उसी वक्त उसका हाथ ठीक हो जाता है. So now Jeroboam says, can you come to my house and I will refresh you. Please, you know, what a great miracle has happened. Come to my house and let's go eat and refresh ourselves. तो जेरोबोम कहता है कि देखो चमत्कार हो गया, अभी तुम क्या करो, मेरे घर में आओ और रिफ्रेश हो जाओ और खाना भोजन भी खाओ तुम. And I will give thee a reward. और मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा. Now here is what a man of God says. तो यहां पर प्रभु का जन कहता है. And the man of God said unto the king. तो परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, If thou will give me half thine house, I will not go in with thee, neither will I eat bread or drink water in this place. चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे, तो भी तेरे घर ना चलूंगा और इस स्थान में मैं ना तो रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा. Now, as a Christian, you're in our church, we ought to ask this question, why do I bless anybody for what reason? और हमें एक मस्ती होने के नाते हमें एक प्रश्न को पूछना है, मुझे क्यों किसी को आशीष देना है, कौन से ऐसे कारण के वजह से. Why do I want to give this to my pastor? क्यों मैं अपने पासवान को ये दूंगा? Why do I want to give that to that man of God? क्यों मैं उस परमेश्वर के जन को ये देना मुझे आवश्यक है? Why do I want him to? Why do I want to give money? Why do I want to give him food? Why do I want to give him some gifts? क्यों मैं उसे पैसा दूं? मैं क्यों उसे मैं खाना दूं? मैं क्यों उसे मैं कुछ तोहफों को दूं? The motive matters. जो हमारा उद्देश्य है वो मैटर करता है. It's the motive because God has been good to me and I want to testify God's goodness by these gifts. उद्देश्य ये होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रति अच्छा है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं कुछ तोहफों को दूंगा. Or is my rewards to the preacher or the man of God as a bribe so I can get my ways done? या फिर ऐसा है कि आप मैं इस पुरस्कार को इसलिए दूंगा क्योंकि मेरा जो घमंड है ताकि मेरा जो काम है वो हो सके, इसलिए. So I can get my ways, so I can be prominent. ताकि मेरा काम हो सके इसके द्वारा. I can be prominent in the church, important person. ताकि मैं कलीसिया में जो है लोगों के बीच में एक बहुत ही खास इंसान बन सकूं. Are we bribing the man of God or are we giving to glorify God? क्या हम उस परमेश्वर के जन को हम घूस दे रहे हैं या फिर हम प्रभु को महिमा को दे रहे हैं? And so giving ought to be godly. और जो देना है वो एक ईश्वरीय होना चाहिए. And we need to understand that our giving, we are giving because God has blessed us. और हमें इसलिए देना चाहिए क्योंकि परमेश्वर जो हमें आशीष को कर रहे हैं. Not that if I give, the preacher will make me something special in the church. ऐसा नहीं कि अगर मैं दूं तो कलीसिया में प्रचारक जो है मुझे कुछ बहुत ही खास व्यक्ति दिखाएंगे. The Bible says, and the man of God said unto the king, if thou will give me half thine house, I will not go in with thee, neither will I eat bread or drink water in this place. परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तुम मुझे अपना आधा घर भी दे और तो भी मैं तेरे घर ना चलूंगा और स्थान में ना कहा कि तेरे रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा. And that's what the man of God says. और वही प्रभु का जन उस राजा से कहता है. Even if you give me the whole nation and all the riches, I will still not come. अगर तुम मुझे धन भी दो और पूरे राज्य को दे दो, फिर भी मैं नहीं आऊंगा. Even if you give me half of your house, I will not go with you. और घर की आधा भी तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारे पास साथ नहीं चलूंगा. You see, God had already commanded that he should not go and eat and drink in anybody's house here. प्रभु ने उसे पहले ही आगाह दे रखा है कि तुम्हें किसी के भी घर में नहीं जाना है, खाना है ना तो पीना है. Verse number 9, for so was it. These things are very important, dear friends, as a preacher, eating in people's houses. और एक प्रचारक होने के नाते ये चीजें बहुत ही जरूरी है, लोगों के घर में खाना पीना. And it is a blessing when we eat together. और ये आशीष की बात है जब हम एक साथ मिलकर खाते हैं. And when you bless a preacher or a man of God in your home with the right attitude, God will prosper you for that. जब सही चरित्र से प्रभु के जन को, प्रचारकों को आप आशीष देते हैं या फिर आप कुछ खिलाते पिलाते, वो सही बात है. But if your motives are wrong, then it can ruin your spiritual life. लेकिन अगर आपका उद्देश्य जो है वो गलत है, तो आपके आत्मिक जीवन को वो नष्ट कर सकता है.
I want him to eat in my house so I can bribe him so I can get prominence. मैं चाहूंगा कि वो मेरे घर में खाए ताकि मैं उसको एक घूस के सम्मान दूं ताकि मैं लोगों के बीच में खास इंसान बन सकूं. I want him to eat and drink in my house so I can get some blessings from God. और मैं चाहूंगा कि वो मेरे घर में खाए पिए इसीलिए ताकि मुझे कुछ आशीष मिले प्रभु की ओर से. No, we should just simply do it because that's a man of God. हमें बस करना है क्योंकि वो जो है प्रभु का जन है. Even tomorrow if God doesn't give us another blessing we will still bless the man of God. अगर कल को भी प्रभु हमें आशीष ना करे फिर भी हम प्रभु के जन को हम क्या करेंगे, हम उसको खिलाएंगे पिलाएंगे. I remember when I started the ministry in the year 2007 I found a good family. और जब मैंने 2007 को मैं जब अपना सेवकाई शुरू करी तो मुझे एक अच्छा परिवार मिला. And they became very close to me. और वो परिवार के लोग मेरे साथ बहुत ही करीब हो गए. And I would actually, in the beginning of my ministry, go every Saturday to visit all the family. और मेरे मिनिस्ट्री के उस समय नए के समय में मैं शनिवार को हर एक लोगों के घरों में जाकर विजिट किया करता था. So it was just a couple of families, so it was very easy for me to go on Saturday and visit everybody. तो कुछ ही परिवार थे तो मेरे लिए आसान हो जाता था ताकि शनिवार को लोगों के घर घर में जाकर प्रार्थना किया करता था. So one family told me, Pastor, you know, since you're coming from far, why don't you have breakfast with us at, you know, by 8:30? तो एक परिवार ने कहा कि तुम जैसे आ ही रहे हो इतना दूर से, क्यों आप ऐसा करो कि हमारे साथ आप सुबह को 8:30 बजे को हमारे साथ ब्रेकफास्ट में शामिल हो जाओ. You know, we can eat together breakfast at 8:30. और 8:30 को हम एक साथ मिलकर हम ब्रेकफास्ट हम ले सकते हैं. I said, no, brother, sister, no, it'll be too much for you. Let's not do that. I'll just come and pray and go. मैंने कहा कि नहीं बहुत हो जाएंगे आप लोगों के लिए मेहनत क्यों. No, Pastor, we want to do this because of God. लेकिन उन्होंने कहा नहीं पास्टर हम ये इसीलिए करना चाहते हैं प्रभु के लिए हम करना चाहते हैं. And I said, okay, if that is, I will come. तो मैंने कहा कि ठीक है मैं जरूर से आऊंगा. So I went the first Saturday. तो पहले शनिवार को मैंने गया. They made a nice breakfast for me. उन्होंने बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट मेरे लिए बनाया. It was delicious. और वो बहुत ही स्वादिष्ट था. And then they called me on Friday, Pastor, see you tomorrow. और उन्होंने कहने लगा कि कल को दोबारा से मिलेंगे. So they called me on Friday morning. तो उन्होंने शुक्रवार सुबह को मुझे बुलाया. They told me, see you tomorrow. उन्होंने कहा कि कल को मिलेंगे. So I went on Saturday again. तो मैंने दोबारा से शनिवार को गया. I normally visit every Friday, Saturday. और मैं ज्यादातर शनिवार को ही विजिट करता हूँ लोगों से मिलता हूँ. So I said, sure, we'll see tomorrow. और मैंने कहा कि हाँ जरूर से हम कल मिलेंगे. And so went on Saturday, we said, we had a prayer and we had a breakfast. और मैंने शनिवार को गया और हम एक साथ मिलकर प्रार्थना किया, उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट लिया. So I think I had breakfast with them for about 5 Sunday. तो करीबन 5 Saturday. करीबन 5 शनिवार तक मैंने उन लोगों के साथ रहकर सुबह के ब्रेकफास्ट को लिया. From the 6th Saturday and the 7th Saturday, I started hearing news from different places. और छठवां और सातवां शनिवार के बाद मैंने दूसरे लोगों से मैंने समाचार को सुनने लगा. Every Saturday आता नहीं खाता हम जी. हर एक शनिवार को आकर वो खाता है. Every Saturday he comes and eats breakfast in my house. हर एक शनिवार को आकर मेरे घर में आके खाके जाता है. Every Saturday I to feed him. क्या हर एक शनिवार को मुझे उसको खिलाने की जरूरत है? देखो ऑमलेट बड़े लगता है. He likes omelet. उसको ऑमलेट बहुत ही अच्छा लगता है. Now I don't like omelet because of that thing. उसके वजह से मुझे अभी ऑमलेट पसंद नहीं है. So I just do boil the eggs and eat because that thing haunts me. और बॉइल एग करके मैं अभी खा लेता हूँ. But you're the one who called me and said, Pastor, we want to do it for God. आपने ही मुझे बुलाया है और कहने लगा कि मैं प्रभु के लिए करना चाहता हूँ. You are the one who gave me tasty breakfast. तुमने ही मुझे अच्छा ब्रेकफास्ट को दिया. What do you think I would do? और मुझे आपको क्या लगता है मैं क्या करना है मुझे? You said come every Saturday and have breakfast with. तुमने ही कहा कि हर शनिवार को आकर हमारे साथ ब्रेकफास्ट खाओ. But now I'm hearing from other people that you are telling them that I'm coming to eat in your house. लेकिन मैं अभी दूसरों से सुन रहा हूँ कि तुमने कहा कि अभी वो हर एक शनिवार को आकर के हमारे साथ ब्रेकफास्ट खा रहे हैं. It is a blessing. Always remember, it's a blessing when the man of God eats in your house. और ये आशीष की बात है जब हमेशा जो प्रभु का जन आपके घर में प्रवेश करते हैं. But it is also a curse. लेकिन एक श्राप की भी बात है. If he eating in your house is made with a wrong motive in your mind. जब वो खाते हैं लेकिन आपके मन में गलत उद्देश्य है, वो आपके लिए श्राप की बात होंगे. Now I thank God when I go to your house, you show hospitality. I appreciate that for
appreciate that and may the Lord continue to bless you for that. लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ जब मैं आपके घरों में जाता हूँ. आप मेहमान नवाजी बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद. I thank God that your motives are pure. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आपके जो उद्देश्य है वो सही है. And I pray that you'll keep on doing in that manner. और मैं चाहूँगा कि आप उसी तरीके से लगातार करते रहें. And so here he says, no, even if you give me, I would, because they were doing what they were doing was against God. क्योंकि जो उन लोग कर रहे थे यहाँ पर वो प्रभु के खिलाफ थे. So he says, I will not eat bread nor drink water in this place. तो कहता कि इस जगह में मैं ना तो खाऊंगा ना तो पीऊंगा. He said verse number 9, for so was it charged me by the word of the Lord saying, eat no bread nor drink water nor turn again to by the same way that thou camest. क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना और ना तो पानी और ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा. Okay, so now he goes the other road. अभी वो दूसरे रास्ते से जाता है. Verse number 11. वचन 11. Now there dwelled an old prophet. Be very careful about the prophets. आपको नबियों को लेकर बहुत ही सावधान रखना है. In this day and age, you need the word of God. आज के समय में आपको प्रभु के वचन की जरूरत है. If you want to see what is the heart of God, then you need to go into the word of God. अगर आपको जानने की जरूरत है कि परमेश्वर के हृदय में क्या है तो आपको वचन में जाना है. Here is a man of God and here is a prophet. यहाँ पर एक प्रभु का जन है और यहाँ पर एक नबी है. So this old prophet is living in Bethel. तो यहाँ पर एक बुरा नबी यहाँ पर बेतल में रह रहे थे. And his son comes told him all the works that the man of God had done that day in Bethel, the words which he had spoken unto the king, them they also told. So the son of the old prophet sees everything that has happened, that he had cursed and the Jeroboam had laid his hands on the man of God and the hands gets dried and he cries for healing and he prays and the hand is restored. तो बुरा नबी के जो बेटे थे उन्होंने ये आकर के अपने बाप से ये कहानी कहने लगा कि कैसे उस परमेश्वर का जन ने जेरोबाम के हाथ को प्रार्थना करके ठीक किया. वो सब बताने लगे. And so he comes and tells the father, the old prophet. और वो जो बुरा नबी है अपने उसके जो बेटे है वो आकर के कहने लगता है. And the father wants to go and meet the man of God now. अभी जो उसका पिता है वो जा करके परमेश्वर का जन से मिलना चाहता है. And so the father wants the man of God to come to his house. और वो चाहता है कि तो परमेश्वर का जन जो है उसके घर में आए. So the father says, come on, get the donkey, let's go and meet the man of God. और पिता कहता है कि तुम गधे लेके आओ, अभी हम जा करके उस परमेश्वर का जन को लेकर के आएंगे. So they sat on the donkey, the ass, and go and met the man of God. गधे में बैठ करके उन लोग उस परमेश्वर का जन से उन लोग मिलने के लिए जाते हैं. Verse number 14 says, and went after the man of God and found him sitting under an oak, and he said unto him, art thou the man of God that camest from Judah? And he said, I am. और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उस एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया और उससे पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था, क्या तू वही है? Now this man of God was not ashamed of his identity. और अपने पहचान को लेकर परमेश्वर का जन जो है वो लज्जित नहीं थे. He didn't hide his identity. और अपने पहचान को उसने नहीं छिपाया. He said, yes, it is me. उसने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ. Oh, he said, come to my house, let's eat and drink water. Come on. कहता कि आओ मेरे घर में आओ, तुम खाओ और पियो. Come to my house and be with me. मेरे घर में आओ और खाओ पियो और मेरे साथ रहो. Look at verse number 16. वचन 16 में देखो. He said, I may not return with thee, nor go in with thee, neither will I eat bread or not drink water in this place. उसने उससे कहा, मैं ना तो तेरे संग लौट सकता हूँ और ना तेरे संग घर में जा सकता हूँ और ना मैं स्थान में तेरे संग रोटी खाऊं और ना पीऊं। He said, God told me not to go to your house and eat and drink. वो कहता कि प्रभु ने मुझे कहा कि ना तो तुम जाकर रोटी खाओ ना तो पियो। God told me not to go to anybody's house to eat and drink. प्रभु ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे मना किया किसी के भी घर में जाने के लिए. Look at verse number 18. वचन 18 में देखो इस समय. And he said unto him, I am a prophet also as thou art. And an angel spake. Oh, that's where the problem happens. And the angel spake unto me by the word of the Lord, saying, bring him back with thee into thine house, that he may eat bread and drink water. But he lied unto him. उसने कहा, जैसे तू नबी है वैसा मैं भी नबी हूँ, और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले और आके वो रोटी खाए और पानी पिए, और ऐसे ही समय झूठ कहा. He says, you are a prophet, I am also a prophet. तुम एक नबी हो, मैं भी एक नबी हूँ. And you know what? God also speaks to me.
परमेश्वर भी मुझसे बात करता है. Only you think you're spiritual? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ही आत्मिक हो? God also speaks to me. प्रभु मुझसे भी बात करता है. You see, just yesterday the angel of the Lord came and spoke to me. देखो कल को ही प्रभु का दूत आकर मुझसे बात किया. And it is the angel that told me to go and get you into my house. और स्वर्गदूत ने मुझसे कहा कि तुम्हें जा करके ताकि मैं अपने घर में ले आ सकूं. But the Bible says that this prophet, old prophet, lied unto him. लेकिन बाइबल बताती है जो बुरा नबी है इसने झूठ कहा. And this is what is happening in this day and age. और आज के समय में वही हो रहा है मेरे प्रियों. Oh, the angel came and spoke to me. और स्वर्गदूत ने आकर मुझसे बात किया. The angels are moving in our church. और जो दूत है वो हमारे कलीसिया में घूम रहे फिर रहे. The angels are throwing gold dust upon us. जो दूत है वो हमारे ऊपर gold dust को फेंक रहे हैं. Oh, the angels' fragrance can be felt. जो स्वर्गदूत के जो खुशबू को हम महसूस कर सकते हैं. And so we see he uses the angel as a messenger. और वो जो दूत को शब्द को वो वहां पर इस्तेमाल करता है संदेश के. If you ever want to know anything of God, it is only this book. अगर आप प्रभु के बारे में जानना चाहते हैं केवल यही एक किताब है. But the problem with modern day Christian, but that pastor said that, no. लेकिन आज के समय प्रॉब्लम ये कि उस पास्टर ने ऐसा कहा. But that prophet said that, no. लेकिन उस नबी ने ऐसा कहा. But what about all those things you think is wrong? क्या आपको लगता है सारी चीजें गलत हैं? Look at their ministry, they have great big ministry. उन लोगों के सेवकाई को देखो बहुत बड़ी एक सेवकाई है. You think they are wrong? क्या आपको लगता है उन लोग गलत हैं? Yes, if it is not according to the word of God, it is wrong. अगर ये प्रभु के वचन के अनुसार नहीं तो वो गलत हैं. You can say God came and spoke to you. You can say angel came and spoke to you. But if it is not according to the word of God, then you are wrong. आप कह सकते कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया, स्वर्गदूत ने आके बात किया, अगर ये वचन के अनुसार नहीं तो आप गलत हैं. Today, if God is going to speak to you, it is going to be speaking to you only through the word of God. अगर आज के समय परमेश्वर आपसे बात करेंगे वो केवल वचन के द्वारा ही आपसे बात करेंगे. He is not going to speak to you through some kind of power. और वो कुछ प्रकार के शक्ति के द्वारा आपसे बात नहीं करने वाले. He is not going to speak to you through some vision. और कुछ दर्शनों के द्वारा बात नहीं करने वाले. Not some audible voice coming from heaven. या फिर स्वर्ग से सुनता हुआ एक शब्द से नहीं. God speaks to you through his word today. परमेश्वर जो है आज के समय में अपने वचन के द्वारा बात करते हैं. And so he lies about the angel. और वो स्वर्गदूत को लेकर वो झूठ कहता है. And because of that lie, और उस झूठ की वजह से, the man of God forgot what God had told him. प्रभु का जन ने भूल गया जो कुछ परमेश्वर ने उस व्यक्ति से कहा. Because what man wants is emotional blackmail. क्योंकि मनुष्य क्या चाहता है? इमोशनल जो ब्लैकमेल होता है. I know the Bible says, but he says God came to his house. मुझे मालूम है बाइबल ये कह रही है लेकिन देखो परमेश्वर उसके घर में आया. I know the Bible says like this, but the angel came to him, it same. मुझे मालूम बाइबल ऐसा कह रही है लेकिन स्वर्गदूत ने उससे आकर मिला. So how can you say no? कैसे आप मना कर सकते हैं? Oh, God can speak even outside the Bible. परमेश्वर बाइबल से बाहर भी बात कर सकता है. No, God cannot speak outside the Bible. नहीं, परमेश्वर कभी बाइबल से बाहर बात नहीं कर सकता. God doesn't go outside his word. परमेश्वर अपने वचनों के खिलाफ या फिर बाहर नहीं जा सकते. God is not a double tongue person. परमेश्वर दो जवानों का बात परमेश्वर नहीं है. He is the holy God. वो पवित्र परमेश्वर है. And the very reason he wrote the Bible so that you and I will have no doubt in future. और इसलिए प्रभु ने वचन को लिख कर दिया था कि आने वाले समय में हमारे पास कोई संदेह ना रहे. But even the man of God deceived by what the old prophet said here. लेकिन प्रभु का जन भी यहाँ पर उसको धोखा खा गए जहाँ पर झूठे नबी ने कहा. Instead of simply obeying what the word of God, the man of God is now going out outside the Bible. प्रभु के वचनों की आज्ञाओं का पालन करने के बजाय वो वचनों से बाहर जाते हैं. Hey, but that pastor is so powerful. He just does that and people fall down. पास्टर बहुत ही शक्तिशाली है, ऐसा करता है और सब लोग गिर जाते हैं. Thousands of people are coming to his meeting. हजारों संख्याओं में लोग वहां पर उसकी मीटिंग में आते हैं. You think they are wrong? क्या आपको लगता है उन लोग गलत हैं? He talks with God every day in his room. He comes and appears before him. हर दिन अपने रूम में रहकर वो प्रभु से बात करता है, परमेश्वर प्रकट होता है उसके रूम में. The angel sits next to his in the car next to his seat and talks to the pastor. जो फरिश्ते हैं उसके कार के अगले सीट में वो बैठकर उससे बात करता है. That's a वो एक झूठ है. That's of the devil. और वो शैतान की ओर से. God doesn't speak in that manner. परमेश्वर उस रीति से बात नहीं करता. But if you will not stick to the word of God, you will definitely be deceived by extra biblical revelations. लेकिन अगर आप प्रभु के वचनों में ना बने रहेंगे तो कल को आप क्या होंगे? एक्स्ट्रा जो रेवलेशन लोग आज लेते हैं उससे आप भरमाए जाएंगे. Oh, I heard a voice. हाँ, मैंने आवाज सुना. Oh, I heard a vision. और मुझे दर्शन मिली. No, dear friends. नहीं मेरे प्रियो.
Look at verse number 19, the fall of the man of God. वचन 19 में देखो प्रभु का जन कैसे गिर जाता है. When you cease to follow the word of God, you will fall down. जब प्रभु का वचनों का पालन करना बंद करते हैं उस समय आप गिर जाएंगे. So he went back with him and did eat bread in his house and drank water. अतः वो उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया. And it came to pass as they sat at the table that the word of the Lord came unto the prophet that brought him back. जब वे मेज पर बैठे हैं थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा और दूसरे को लौटा लाया ले आया था. You see, angel did not come, the word of God came. स्वर्गदूत वहां पर नहीं आया लेकिन प्रभु का वचन वहां पर आया. Look at verse 21. वचन 21 में देखो. And he cried unto the man of God that came from Judah saying, Thus says the Lord, for as much as thou hast disobeyed the mouth of the Lord and hast not kept the commandment which the Lord thy God commanded thee, but camest back and has eaten bread and drunk water in the place of the which the Lord did say to thee, Eat no bread and drink no water, thy carcass shall not come unto the sepulchre of thy fathers. उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यूं कहता कि इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना. The man of God disobeyed the word of God. प्रभु का जन जो है प्रभु की वचनों का उल्लंघन किया. Because the old prophet lied about the vision. क्योंकि बुरा जो नबी है उसने दर्शन को लेकर झूठ कहा. Simple truth. और बस एक साधारण एक सच्चाई है. Never believe a vision. कभी भी दर्शन के ऊपर विश्वास ना करना. Never believe an audible voice. और कभी भी आवाजों के ऊपर विश्वास ना करना. Never believe a prophecy from man. और मनुष्य के से जो भविष्यवाणी उसको ना मानना. Never believe anything what anyone says which is outside the Bible. जो कोई भी कुछ भी कहते हैं बाइबल से बाहर उसको कभी भी आप ना मानना. You can say give every excuses or explanation you want to me. चाहे आप जितना भी एक्सप्लेन करें जितना भी आप बहाना दें. You are wrong if it is not the word of God. अगर ये वचन के अनुसार नहीं तो आप जरूर से गलत हैं. And so people are building great so-called ministry in lies today. आज लोग झूठ को लेकर आज बहुत से मिनिस्ट्रियों को उन लोग बांध रहे हैं. You better stick to the word of God. आपको वचनों से जुड़े रहना है. The word of God is going to come one day and says God is going to kill you. प्रभु का वचन आकर के आपसे एक दिन कहने वाला है कि परमेश्वर आपको जरूर से मारेंगे. Don't disobey God's word. प्रभु के वचनों का उल्लंघन ना करें. Don't go away from the path that God has called you to go. जो रास्ते में चलने के लिए प्रभु ने कहा उस रास्ते से आप दूर ना हटें. So the old prophet who lied now tells you, you know, God is going to kill you. जो बुरा नबी ने जो झूठ कहा अभी वो कहता है कि परमेश्वर तुम्हें मारने वाला है. Your body will be on the road and it will not even reach to your burial place. तुम्हारा जो शरीर वो रास्ते में रहेंगे और दफन के जगह तक भी नहीं पहुंचेंगे. Look at verse number 23. वचन 23 में देखो. Just for a moment, Proverbs 25. I know I've taken a long time. नीति वचन अध्याय 25. Proverbs 25. नीति वचन अध्याय 25. And look at verse number 17. अध्याय 17, वचन 17. Withdraw thy foot from thy neighbor's house, lest he be weary of thee, and so hate thee. अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पांव को रोक, ऐसा ना हो कि वो खिन्न होकर घृणा कर लेंगे. Just because your friend is a friend does not mean you spend too much time in his or her house. आपके दोस्त आपका बहुत अच्छा दोस्त है इसका मतलब यही नहीं कि आप उनके घर में बहुत सारे समय बिताएं. Don't go every day to them. हर दिन उन लोग के पास ना जाना. Don't go every day. हर दिन ना जाना. Don't spend the whole day morning till evening in their house. सुबह से लेकर शाम तक समय ना बिताना. They will ruin you. वो तुम्हें नष्ट कर देंगे. They will speak bad about you. वो तुम्हारे खिलाफ बात करेंगे. They will be tired of you. और तुम्हारे को लेकर वो थक जाएंगे. And God says, withdraw your foot from your neighbor. प्रभु कहता है कि तुम्हारे पांव को तुम अपने पड़ोसी से दूर हटा लें. Your neighbor may not tell you that on the face, but they're going to tell everybody else. तुम्हारे जो पड़ोसी है शायद तुम्हारे चेहरे में नहीं बोलेंगे लेकिन बाकियों को उन लोग बता देंगे. Withdraw thy foot from thy neighbor's house, lest he be weary of thee and so hate thee. ऐसा ना हो कि खिन्न होकर घृणा करने लगे. But this man went, he ate and drank,
disobeyed God's word. लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया? प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन कर जा करके खाया और पिया. And now he says God is going to kill you. अभी कहता कि अभी परमेश्वर तुम्हें मारने जा रहे हैं. Look at verse 23. And it came to pass after he had eaten bread and after he had drunk that he saddled for him the ass to wait for the prophet whom he had brought back. So now, after finishing, after the judgment comes, he says, okay, take the donkey and go now. अभी सब कुछ होने के बाद वो कहता है कि अभी गधे को लेकर तुम अभी चले जाओ. Here it is. यहाँ पर आपको जानना है. Verse number 24. वचन 24 में. And when he was gone, a lion met him by the way and slew him, and his carcass was cast in the way, and the ass stood by it. The lion also stood by the carcass. जब वो मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला और उसका शव मार्ग में पड़ा रहा और गधा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी शव के पास खड़ा रहा. You and I know very well in 1 Peter chapter 5 verse 8 the Bible says that Satan is like a roaring lion waiting to devour you. Pehla Patras 5:8 mein hum jante hain shaitan jo hai singh ke saman ruke hue hain aapko nasht karne ke liye. He is waiting to devour whom he may. और जिसको वो चाहे उसको नष्ट करने के लिए वो सिंह के समान खड़ा है. And so here the lion is waiting on the way to devour the man of God. तो यहाँ पर सिंह जो है अपेक्षा कर रहे हैं प्रभु का जन को नष्ट करने के लिए. The lion met him by the way, the Bible says. और लिखा है कि मार्ग में उसे मिला. And the lion slew him and his carcass was cast in the way. The body is on the way. और उसका जो शरीर है वो रास्ते में है. Listen, the lion killed him but did not eat him. सिंह ने उसको मार डाला लेकिन उसे खाया नहीं. The lion killed the man of God but not the donkey, not the ass. सिंह ने जो है प्रभु का दास को मार डाला और गधा को भी नहीं खाया. There is some biblical principle in this. यहाँ पर बाइबल का एक सच्चाई है, एक सबक है. And behold, men passed by and saw the carcass cast in the way, and the lion standing by the carcass, and they came and told it in the city where the old prophet dwelt. और जो लोग उधर से चल रहे थे उन्होंने ये देखकर कि मार्ग पर एक शव पड़ा है और उसके पास सिंह खड़ा है और नगर में जाकर जहां वो बुरा नबी रहता था उसे समाचार सुनाया. एंड व्हेन द प्रॉफिट दैट ब्रॉट हिम बैक फ्रॉम द वे हर्ड थेरऑफ ही सेड इट इज द मैन ऑफ गॉड हु वाज डिसओबीडिएंट अनटू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. और वे सुनकर वो नबी ने जो उसको मार्ग से लौटा लाया था वो कहता कि परमेश्वर का वही जन है जो जिसको यहोवा के वचन के विरुद्ध किया गया था. यू सी एवरीबॉडी लाइक्स टू स्पीक अबाउट अदर्स. सभी लोग दूसरों के बारे में बात करने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है. Oh, he's the man that disobeyed the word of God. वो ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु के वचन के खिलाफ गया. He is not saying I am the one who lied to you and brought you back. ये वो ये नहीं कह रहा कि मैंने ही तुम्हें झूठ कर अपने घर में ले आया. So now he goes to meet see the body. तो अभी वो जाता है उस शरीर को देखने के लिए. And says therefore the Lord has delivered him unto the lion which has torn him and slain him according to the word of the Lord which he spake unto him. And he spake his son, saying, Saddle me the ass, and saddled him. And he went and found his carcass cast in the way, and the ass and the lion standing by the carcass. The lion had not eaten the carcass, nor torn the ass. तब उसने अपने बेटा से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी बांधो. और उन्हें काठी बांधी. तब उसने जाकर उस जन का शब्द मार्ग पर पड़ा हुआ और गधे और सिंह दोनों को शब्द के पास खड़े हुए पाया. Now that is the goodness of God. और वो प्रभु की एक अच्छाई है. The man of God was killed. प्रभु का जन उसको मारा डाला गया. But the body was not eaten. लेकिन जो उसका शरीर को खाया नहीं गया. Now you say, how can that be the goodness of God? आप बोलेंगे कि ये प्रभु का एक कैसा अच्छाई हो सकता है? Have you seen this? The man of God sinned. क्या आपने कभी देखा कि प्रभु का जन पाप करते हुए? But the Bible still calls him as the man of God. लेकिन बाइबल फिर भी यहाँ पर कह रहे कि प्रभु का जन कह के. He's not calling him that guy is disobedient. ऐसा नहीं कहा कि वो व्यक्ति वो उल्लंघन किया. But the Bible, in the Bible, God still calls him the man of God. लेकिन बाइबल फिर भी उसको प्रभु का जन के पुकारता है. But here what happens is, he is killed. लेकिन यहाँ पर उसका हत्या किया गया. His body is on the way. उसका शरीर रोड पे है. But the body is not eaten. लेकिन शरीर खाया नहीं गया. If you're a saved Christian today, अगर आज आप उद्धार पाए हुए मसीह हैं, if you sin, अगर आप पाप करते हैं, you will be destroyed, आप नष्ट होंगे. But God has secured your salvation. लेकिन प्रभु ने तुम्हारे उद्धार को सुरक्षा कर रखा है. And that's why his body was not eaten. इसलिए उसका शरीर को खाया नहीं गया. He was destroyed. उसको नष्ट किया गया. And God will chastise us. और प्रभु जरूर से हमें मारेंगे.
God will condemn us if we don't walk in the spirit. अगर हम आत्मा में नहीं चलेंगे तो परमेश्वर हमें दंड जरूर से देंगे. You know there is this big lie of Romans chapter 8 verse 1. Therefore if any, you know what is that saying? There is now no condemnation, right? Let me read that for you. Romans chapter 8. I'll finish it here I think after this verse. Romeo अध्याय 8 verse number 8. Romeo अध्याय 8. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ, who walk not after the flesh, but after the Spirit. अतः अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं. And everybody shout, "Whoa, praise the Lord! There is no condemnation. I am a believer. I can do whatever I want. No condemnation." सब लोग अभी चिल्लाकर कहते हैं, अभी मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं, मुझे कोई दंड नहीं मिलेगा. The Bible did not say that. प्रभु का वचन वो नहीं कह रहा है. Read it all over again. आप दोबारा से पढ़े इसको. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ. That's good, right? If you are in Christ, no condemnation. Amen. अगर आप मसीह में हैं, आपके लिए कोई दंड नहीं है. Amen. But you know what? Majority of the people read only up to there. ज्यादातर लोग वहां तक ही पढ़ते हैं इस वचन को. But look the next sentence. लेकिन अगला वचन में देखें. Who walk not after the flesh, but after the spirit. क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं. So if you are walking in the spirit, there is no condemnation. अगर आप आत्मा में चलते हैं, आपके लिए कोई दंड नहीं है. But if you walk in the flesh, being a Christian, there is a condemnation. लेकिन मसीह होने के नाते अगर आप शरीर में चलते हैं, तो आपके लिए दंड है. God will condemn. God will chastise. परमेश्वर आपको दंड देंगे, परमेश्वर आपको सजा देंगे. So don't walk in the lies, dear friend. तो आप झूठ में ना जिए मेरे प्रियो. I have lived in the flesh. What is God going to do to me? मैंने शरीर में जिया, अभी प्रभु मुझे क्या करेंगे? Well, the best thing is repent and get right with God. सबसे सही है कि आप पश्चाताप करके प्रभु से आप सही हो जाएं. So Lord, I'm so sorry for my sins. कहें कि प्रभु आप मुझे क्षमा करें, मेरे पापों को क्षमा करें. Please help me, Lord. मुझे आप मदद कर पिता. I don't want to live in the flesh anymore. मैं और शरीर में नहीं जीना चाहता हूं. I've sinned against you. मैंने आपके विरुद्ध पाप किया. And if we would ask God to forgive, अगर हम प्रभु से क्षमा के लिए मांगेंगे, God will forgive us. तो प्रभु हमें क्षमा करेंगे. God will take away the condemnation away from us. परमेश्वर हमारे दंड को हमसे दूर करेंगे. And thank God that the man of God was called as the man of God. लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद दें, परमेश्वर का जन, उसको प्रभु का जन कहा गया है. If you are truly saved, you are the child of God. अगर आप वाकई में उद्धार पाए हैं, तो आप परमेश्वर के संतान हैं. You will always be the child of God. आप हमेशा ही प्रभु के संतान बने रहेंगे. But if you walk in the flesh, लेकिन अगर आप शरीर में चलेंगे, chastisement is for sure. तो आपके लिए सजा जरूर से मिलेंगे. But we can ask God to forgive us. लेकिन हम प्रभु से क्षमा के लिए मांग सकते हैं. And we can get right with God. और हम प्रभु से सही हो जाएंगे. Always obey the Bible. हमेशा वचनों का पालन करें. Don't listen to an angel. और कभी भी स्वर्गदूतों को ना सुने. And that's why Paul said, if we or any other or even in the angel comes and preaches any other gospel, don't believe them. और इसलिए पौलुस कहता है, अगर हम और हमें से कोई या फिर स्वर्गदूत आकर कोई अन्य संदेश को देते हैं, तो विश्वास ना करना. In fact, apostle Paul says, if you listen to the angel, let you be cursed. और पौलुस कहता है कि अगर तुम स्वर्गदूतों को सुनते हैं, तो तुम्हारे ऊपर श्राप आए. Because today God doesn't say send them to preach to you. क्योंकि आज के समय में परमेश्वर स्वर्गदूतों को नहीं भेजते प्रचार के लिए. Well, the angels are ministering spirit. They are helping us throughout. लेकिन स्वर्गदूत जो है, हमें मदद करते हैं हमारे हर एक कामों में. But they're not bringing God's message to you and preaching and talking to you anymore. लेकिन आकर के प्रचार नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं. God is speaking to you only through, only from the Bible. लेकिन आज परमेश्वर केवल वचन से ही आपसे बात करते हैं. It doesn't matter who you think in your mind, but of your TV celebrity preachers. चाहे आप जो भी सोचें, जो सेलिब्रिटी, जो प्रचारक आज टीवी में आते हैं. You may say that man is a preacher, is a famous preacher, but God, you know, he says the angel speaks to him. No, it's a liar. आप कह सकते हैं कि जो प्रचारक है, स्वर्गदूत उससे आके बात करते हैं, वो झूठा है. God speaks to you and to me only through the word of God. परमेश्वर केवल अपने वचन के द्वारा ही हमसे बात करते हैं. If you will stick to the word of God, you will never be lied at. अगर आप प्रभु के वचन में बने रहेंगे, तो आपको कभी झूठ का सामना नहीं करना पड़ेंगे. Even that old prophet cannot lie to you if you stick with the word of God. अगर आप वचनों से बने रहेंगे, वो बुरा जो नबी है, वो भी आपको झूठ नहीं कह पाएंगे. There are many people who claim to be prophets. They are always lying. बहुत से ऐसे नबी लोग हैं जो दावा करते हैं नबी कहने का, लेकिन उन लोग झूठ बोलते हैं. They talk about angels. They are lying. उन लोग स्वर्गदूतों के बारे में बात करते हैं, लेकिन लोग झूठ बोलते हैं. God told you to go His way. लेकिन प्रभु कहता है कि अपने रास्ते से चलने के लिए.
And don't burn incense where you are not supposed to. जहाँ पर आपको धूप नहीं जलाना है वहाँ पर आपको ना जलाना. Don't find too comfort in your battle. Get to Jerusalem. आपके बेतल में ऐसा आरामदायक को ना ढूंढना जहाँ पर आप यरूशलेम को जाने के लिए आलसी करें. Don't put your hand where you are not supposed to put. जहाँ पर आपको हाथ ना रखना हो वहाँ पर हाथ ना रखें. Keep your eyes on the Lord. अपनी नजरों को यीशु की ओर बनाए रखें. Keep your nose in the word of God. अपनी नाकों को आप प्रभु के वचन में बनाए रखें. Keep your head bowed before the word of God. अपने सिर को प्रभु के वचन की ओर झुकाए रखें. And just let's walk with the Lord. और आप प्रभु के साथ चलते रहें. And let us worship him. और हमें उनकी आराधना करना है. And let us follow him. और उनकी अनुसरण करना है. Fathers, जितने सारे पिता हैं यहाँ पर, great responsibility. आपके पास एक कर्तव्य है. Because of Solomon's sin, the nation what is divided. सुलेमान के पाप की वजह से जो देश है वो दो भाग में बट गए. Don't take your sin lightly. आपके पापों को आप ऐसे ही साधारण में नहीं लेना है. God might not do anything to you right now. अभी शायद परमेश्वर आपको कुछ नहीं करेंगे. But your son will bear it. लेकिन आपके जो बच्चे उसको भोगेंगे. Did you know Noah got drunk and was naked? क्या आप जानते हैं नूह ने मदपान कर वो नंगा था. And he had three sons. उसके पास तीन बेटे थे. And we know the story there. और हम कहानी जानते हैं. But you know God did not. Noah is the one who committed sin. नूह ऐसा व्यक्ति जिन्होंने पाप किया. He drank. उसने पिया. He got naked. वो नंगा था. He made himself ashamed. उसने अपने आप को लज्जित किया. But God did not curse Noah. लेकिन प्रभु ने नूह को श्राप नहीं दिया. God cursed his son Ham. लेकिन परमेश्वर ने जो उसका जो बेटा हैम को श्राप दिया. Why? क्यों? Because Noah was already blessed by God. क्योंकि नूह जो है पहले से ही प्रभु की ओर से आशीषित था. God blessed Noah already. परमेश्वर ने पहले से ही नूह को आशीष कर रखा है. Because God already blessed Noah. क्योंकि परमेश्वर ने नूह को पहले से आशीष कर रखा है. God could not curse him. तो परमेश्वर ने उन्हें श्राप नहीं दे सका. And so the curse went to the son. तो जो श्राप है अपने उनके बेटों के ऊपर गया. हैम. हैम के ऊपर गया. You go to Africa, you see how people are suffering still. अच्छा अब अफ्रीका में जाके देखो लोग कैसे आज भुगत रहे. That's the Hamites. वो जो हैम के ओर से आते हैं. I've been watching some documentary and I see children's their stomach is like this and their hands and legs are so thin and they don't have food to eat. और हम देखते हैं कि उनके पेट बाहर आया हो बच्चों के और हाथ बहुत पतले हैं और उन लोग खाना नहीं खाते हैं. माल न्यूट्रिशन. और नो फूड. कोई भी खाना पीना नहीं. नो प्रॉपर फूड. और सही खाना पीना नहीं. एंड आई सॉ दे टेक मर्ड एंड मेक अ बिस्किट आउट ऑफ द मर्ड एंड दे ईट दैट एज अ बिस्किट. और देखते हैं कि जो मिट्टी को लेकर उन लोग बिस्किट बनाते हैं और वही उसी को खाते हैं. इट्स देयर ऑन द इंटरनेट. और वो इंटरनेट डॉक्यूमेंट्री अबाउट पाया जाता है. वो हाउ अफ्रीकन्स आर. कैसे अफ्रीका के लोग हैं. गॉड्स कर्स हैज कम अपॉन हिम. परमेश्वर का श्राप उसके ऊपर आया हुआ है. But when people repent of their sin and get right and get saved, God changes the people's life. लेकिन जब लोग पश्चाताप करके प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो उन लोग के जीवन बदल जाता है और परमेश्वर उन लोग को आशीष करते हैं. Fathers, जितने सारे पिताएं हैं, take your steps seriously. आपके जो कदमों को आप सीरियस में लें. Whatever you do, take it seriously. चाहे आप जो कुछ भी करते हैं आपको सावधान रखना है. Do you love your sons and daughters? क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? Set a godly example today. आप एक अच्छा उदाहरण को बनाए रखें अपने बच्चों के प्रति. Don't let your sin be reaped by your son tomorrow. ऐसा ना हो कि आपके पाप की वजह से आपके बच्चे लोग कल को भोगें. Don't let your son get up one day and say, "Daddy, you did it, and now I'm reaping." ऐसा ना हो कि एक दिन आपके जो बच्चे हैं वो उठकर ऐसा कहें कि आपने किया इसलिए अभी मैं भुगत रहा हूँ. Isn't that a strong statement? एक strong statement है. Every father, can you stand up? हरे जो पिता हैं क्या आप खड़े हो सकते हैं इस समय? Every father. हरे जो पिता यहाँ पर जितने सारे पिता यहाँ पर खड़े हो सकते हैं आप? And let us pray for the fathers right now. अभी हम जितने सारे पिता यहाँ पर हमारे चर्च में उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we stand before you as fathers of our children. हम आपके आगे खड़े होते हैं पिता अपने बच्चों का एक बाप के समान. Knowingly and unknowingly we have sinned against you. जाने अनजाने में हमने पाप किया है पिता.
We have even set bad examples for our children. हमने अपने बच्चों के प्रति गलत उदाहरण को बिठाया है. There are things that our children know. There are things that our children don't know. ऐसे बहुत से चीज़ जो हमारे बच्चे जानते हैं और नहीं भी जानते हैं. But you know everything, O God. लेकिन आप सब कुछ जानते हैं पिता. You have seen everything, O Lord. आपने सब कुछ देखा है. And we are weak and we are sick about it. और हम कमजोर हैं पिता परमेश्वर, बीमार हैं पिता उसको लेकर. Lord, we don't want to. That our children suffer because of our sin. हम नहीं चाहेंगे पिता हमारे पाप की वजह से हमारे बच्चे लोग कल को सजा भुगते. We want our children to reap blessing only, O God. हम चाहेंगे पिता हमारे बच्चे लोग केवल आशीष को प्राप्त करें पिता. And this moment as fathers we come before the altar. और इस समय आपके वेदी के सामने एक पिता के होने के नाते हम आपके आगे आते हैं. We surrender ourselves before you. अपने आप को हम समर्पित करते हैं पिता. We ask for forgiveness, O God. हम क्षमा के लिए आपसे मांगते हैं पिता. And we pray that you, with your precious blood, you cleanse all our sins. आपके पवित्र लहू से आप हमारे हर एक गुनाहों को क्षमा कर पिता. We pray that you blot out all our sins, O God. हमारे हर एक पापों को आप हटा दे पिता. Help us to just keep our eyes in your word, O Father. हमारे नजरों को आपके वचनों के ऊपर रखने के लिए मदद कर पिता. And to set a godly example to our sons and daughters. और अच्छा उदाहरण को हमारे बच्चों के प्रति बनाए रखने के लिए मदद कर. Lord, I pray for all our brothers and sisters in this room. इस रूम में जितने सारे भाई बहन हैं सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं. And all the children. और हर एक बच्चे पिता. Lord, help us to live for you, God. आपके लिए जीने के लिए आप हमें मदद कर पिता. And help us to bring glory and honor to thy name. आपके नाम की महिमा, आपके नाम के लिए महिमा को लाने के लिए मदद कर. Lord, wherever there is struggle in sins, O Father. जहां भी पिता परमेश्वर आज दिक्कतें हैं पिता, व्याकुल हैं पिता लोग. Lord, we pray that you will give us victory over that sin and laziness. उस पाप के प्रति और आलसी के प्रति आप हमें विजेता को दे पिता. Lord, may Christ be glorified in our lives. ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर को महिमा मिले. Once again, I pray for all the fathers. हरे फिर से बार मैं हर एक पिताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ. We pray you will bless us and we pray for a special blessings upon them. और एक special आशीष के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं. They work hard. वो लोग काम करते हैं पिता. And they provide for the family. परिवार के लिए जरूरत को पूरा करते हैं. And they try to set everything well balanced for the family. और परिवार में सब कुछ सही करने के लिए लोग कोशिश करते हैं. I pray that thou will reward them greatly your blessings. उन लोग को पिता परमेश्वर आप बहुत ही अद्भुत तरीके से पुरस्कार को दे पिता. Pray for that thou will grant them good health, O Father. उन लोग को एक अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य को दे पिता. I pray for their relationship with their wives be sweet and kind and gentle. अपने पत्नियों के साथ जो रिश्ता है ताकि वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मीठा हो सके पिता. And that they may be wonderful fathers to their children. ताकि उन लोग अपने बच्चों के प्रति एक अच्छा पिता बन सके. And as good father, they will lead their wives and sons and daughters in the path of righteousness for God's sake. एक अच्छा पिता होने के नाते ताकि पिता परमेश्वर आपके लिए उन लोग अपने बच्चों को अच्छा रास्ते में उन लोग अगुवाई करें. Thank you for hearing our prayer. हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ. In Jesus' mighty name, we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं. Amen. Amen.